नमस्कार, स्टेट मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। एक चुनावी वादे को पूरा करते हुए राज्य में कांग्रेस सरकार ने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त करने की घोषणा की है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, जो पिछले भाजपा के दौरान पारित सबसे विवादास्पद कानूनों में से एक कानून था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रमुख और कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक महिला का शील भंग करने और पीछा करने जैसे अपेक्षाकृत मामूली अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की है। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े एक और गंभीर मामले को रद्द करने के लिए पुलिस ने एक अन्य अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उसने अब उन आरोपों का खंडन करते हुए नया बयान दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि भयंकर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने 10 दिनों से अधिक समय तक अरब सागर में मंथन करने के बाद गुरुवार रात गुजरात के कच्छ जिले में जकाऊ बंदरगाह के पास दस्तक दी है। गुरुवार सुबह से तेज हवाओं और भारी बारिश ने कच्छ और सौराष्ट्र के तटों को प्रभावित किया है, क्योंकि राज्य और केंद्र एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी और सौराष्ट्र में बाढ़ आने के कारण पानी में 2 लोग डूब गए। 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष के लिए UG इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले भाजपा सरकार ने इस संबंध में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन संघ के साथ फरवरी में करार किया था। उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा, इस समझौते के तहत निजी कॉलेजों में सरकारी कोटे की इंजीनियरिंग सीटों और मैनेजमेंट कोटे की सीटों की फीस में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य भर के व्यापार निकायों और उद्योगों ने बिजली दरों से संबंधित शिकायतों का समाधान नहीं होने पर हड़ताल पर जाने और सभी उत्पादन गतिविधियों को बंद करने की धमकी दी है। जहां कुछ उद्योगों ने बढ़ोतरी को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है, वहीं अन्य ने सरकार के समक्ष कई मांगें रखी हैं, जिनमें बिजली करों को 9% से घटाकर 3% करने के साथ साथ उद्योगों और सूक्ष्म के लिए टैरिफ पर परेशानी मुक्त 50 पैसे की रियायत शामिल है। एल्डर्स हेल्पलाइन 1090 और एल्डर लाइन 14567 द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चला है कि लॉकडाउन के बाद बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार में 251 की वृद्धि हुई है, जबकि 2020-21 और 2021-22 में दुर्व्यवहार की क्रमश 193 और 229 शिकायतें थी। 2022-23 में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या शहर में 575 तक पहुंच गई है, जबकि मौखिक दुर्व्यवहार सबसे प्रमुख है, जो 35% है। इसके बाद शारीरिक शोषण 30% हुआ है। कारण ज्यादातर संपत्ति संबंधी, धन संबंधी या पारिवारिक विवाद थे। इनमें से 92.19% मामलों में बेटे प्राथमिक दुर्व्यवहार करता थे। राज्य सरकार ने बृहद बैंगलोर महानगर पालिका BBMP के 8 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है, जिन पर 118 करोड़ के फर्जी बिल बनाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। और घोटाले की जांच के लिए बैंगलोर राजस्व प्रभाग के क्षेत्रीय आयुक्त अम्लान आदित्य विश्वास को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा कर्नाटक को अतिरिक्त चावल प्रदान करने से इनकार करने के बाद 1 जुलाई को कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई अन्न भाग्य योजना अधर में लटक गई है, क्योंकि ये अन्य राज्यों में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर चावल की उपलब्धता की तलाश कर रही है। राज्यों की वित्तीय व्यवहारिता भी सवालों के घेरे में आ गई है। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कर्नाटक के सभी स्कूलों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन अनिवार्य करने का फैसला किया है। समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा ने कहा कि सभी छात्रों के लिए प्रस्तावना को समझना महत्वपूर्ण है और सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए इसे स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाएगा। बहुप्रतीक्षित गारंटी में से एक गारंटी गृह लक्ष्मी के लिए आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ। जो परिवार में महिला मुखिया के लिए 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता का वादा करती है, कुछ और दिनों की देरी होने की संभावना है।
बीपीएल कार्ड धारकों को एक महीने में 10 किलो चावल प्रदान करने की गारंटी योजना को विफल करने की कोशिश करने का केंद्र पर आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आपत्ति जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को आरोप लगाया कि ये कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र को दोष देने का प्रयास था, इसकी एक गारंटी को लागू करने में अपनी विफलता रही है। राज्य सरकार ने गुरुवार को राज्य द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगम RTC के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में 15% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज़ कर्नाटका।